स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.7। द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम इज दिस। एक रूम दिया है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे को दी हुई है, ये 825, 675 और 450 सेंटीमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मतलब अब हमारे को रूम की डायमेंशंस मेजर करनी है, नापनी है कितनी है। तो अब हमारे को एक लॉन्गेस्ट टेप, जिससे जितना बड़ा टेप होगा तो उतनी कम वायर हमें लगाना पड़ेगा उस जगह पे, तो हमारा इजी हो जाएगा काम। अब ऐसा टेप चाहिए जो हर डायमेंशन को पूरा पूरा मेजर कर सके। मतलब वो कितना बड़ा टेप जो भी होगा वो इनका फैक्टर होगा, तभी तो वो पूरी तरह से इस नंबर से डिविजिबल होगा। 825 का भी फैक्टर, 675 का फैक्टर और 450 का फैक्टर, और कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट, तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया, 825 का निकालते हैं पहले। 825 को 5 से करा, 5 1 5, 5 6 30, 5 5 25, फिर अगेन 5 से, 5 3 15, 5 3 15, अब 3 से 11। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें 675 का निकालेंगे हम, तो 5 से 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, फिर अगेन 5 से, 5 2 10, 5 7 35, अब 3 से, 3 9 27, अब है लास्ट 450। 450 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ये भी 5 से, तो 5 9 45, 0, फिर अगेन 5 से, 5 1 5, 5 40 बचा, 5 8 40, फिर अब 3 से, 3 6 18, 2 से, 2 3 6, सारे आ गए। अब इसमें हम देखें कॉमन क्या है जो तीनों में है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा जो तीनों में है। तो इसमें 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ 5 5 बहुत दिख रहे हैं, तो 1 5 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, है ना। अब नेक्स्ट 5 एक और है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो इसमें क्या 3 चीजें कॉमन हो गई, 5 × 5 × 3, ये सभी में है। तो 5 5 25 और 3 75, तो 75 सेंटीमीटर का हमें टेप चाहिए जिससे कि हम उस रूम को मेजर कर सकेंगे।